हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 3 अप्रैल को प्रदोष है और प्रदोष काल 5:45 से 6:47 तक रहेगा। और इस प्रदोष काल में आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। पूज्य पंडित जी ने उनकी कथा में ये उपाय बताया था। उपाय के फ़ायदे ये हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि नई बाइक हो गई है, नई कार हो गई है, उसके बाद यदि आपको कुछ गोल्ड खरीदना है, सोने में कुछ भी, आपको जो भी चाहिए, इन चीज़ों में आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, इन सारी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बहुत ही एक सरल उपाय करना है, वो प्रदोष काल में करना है। सबसे पहले आपको लेना है 5 लौंग। लौंग आप सबको पता है, वो खाने में आते हैं, वो लौंग लेने हैं, लेकिन साबुत लौंग होने चाहिए, कटे पटे नहीं होना चाहिए। 5 लौंग लेने के बाद आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। 5 लौंग और 5 कमलगट्टों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अब वहां जाके आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जो आप 5 कमलगट्टे और 5 लौंग लेकर आए हैं, या तो उन्हें आप उनकी चौखट पर रख दें, ठीक है। और यदि चौखट पर आपको नहीं रखने दिया जाता है, पंडित जी वहाँ के अगर ऐसा बोलते हैं कि चौखट पर नहीं रखना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आप चौखट पर रखें या शिव जी को समर्पित करें, दोनों के टाइम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। ये वाला उपाय कर लेने के बाद में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी रुके हुए काम है, वो जो भी अटके हुए हैं, वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ये उपाय कर लेने के बाद ही उस चीज़ के लिए बात करने जाएं। आपकी सारी बात वो सामने वाला इंसान मानेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। थैंक यू फ्रेंड। श्री शिवाय नमस्ते।